नमस्कार, स्वागत है आपका आजमगढ़ के संक में। मैं हूँ दीपिका। आइए सबसे पहले रुक करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। कोरोना वायरस को लेकर हमीरपुर स्वास्थ्य विभाग ने भी अलर्ट किया जारी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी एडवाइजरी के चलते कोरोना वायरस के 13 मरीजों में वायरस के लक्षण सामने आने पर पूरी तरह से बरती जा रही है एहतियात। कोरोना वायरस के बचाव के लिए मेडिकल कॉलेज परिसर में भी आइसोलेशन वार्ड बनाया गया। कहा कार्यकारी मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजय जगोता ने। उपमंडल भोरंज के राजकीय आदर्श पाठशाला भरेड़ी में राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत क्विज प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। ऐसे आयोजनों से बच्चों का हौसला खुलता है, वे उन्हें सामान्य ज्ञान के साथ कंपटीशन की भावना भी आती है। कहा प्रधानाचार्य आर सी ठाकुर ने। युवाओं को स्वरोजगार से जुड़ने व आत्मनिर्भर बनाने के लिए परिवहन विभाग द्वारा शुरू की गई ई रिक्शा स्कीम। ई रिक्शा स्कीम के तहत हमीरपुर में आज जिला के 40 बेरोजगार युवाओं को एक साथ ई रिक्शा के परमिट किए गए जारी। बिलासपुर के उपमंडल घुमारवी बाजार में लगे विभिन्न एटीएम में जाकर लोगों की मदद करना एक युवक को पड़ गया भारी। युवक को शक के आधार पर लाया गया पुलिस थाना। पूछताछ में युवक ने पहले भी कई लोगों के एटीएम से निकाले हैं पैसे।